मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सपा प्रत्याशी संजीव सक्सेना ने लिया पर्चा वापस। पार्टी के आदेश अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर को लड़ाएंगे चुनाव। आपको बताते चले कि बरेली में बृहस्पति को समाजवादी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी संजीव सक्सेना ने अपना नाम वापस ले लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर नाम वापसी करने पहुंचे संजीव सक्सेना ने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताया और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर वह निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आई एस तोमर को चुनाव लड़वाएंगे। संजीव जी, आज आप क्या करने आए हैं? मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मैं अपना सिंबल वापस लेने आया हूँ, नामांकन पत्र वापस लेने। तो ले लिया आपने? जी, ले लिया। आखिर क्या कारण है? क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि मैं लड़ूंगा। कल तक मैं जरूर कह रहा था, वो बात आज भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डायरेक्ट मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके निर्देश को मैं टाल नहीं सकता, समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, इसलिए मैंने नाम वापसी। क्या लगता है, आपको सिंबल दिया, नामांकन कराया, फिर उसके बाद आपको वापस करना पड़ रहा है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, उनका निर्देश सर्वोपरि होता है। हाँ, उस समय की स्थिति थी वो आपको मैंने बताई थी, जो यहाँ लोकल दवा मुझे बनाया गया, लेकिन अब जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो उसके आगे सब फेल। तो क्या वो दवा समर्पित होकर अब चुनाव? बिल्कुल समर्पित होकर चुनाव। तो क्या दबाव में ही ये वापस हुआ है? क्या नहीं, दबाव नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दबाव किसी पर नहीं डालते हैं। उनके ऊपर मेरी आस्था है बहुत ज़्यादा, और उनके निर्देश पर, उनके आशीर्वाद के साथ मैंने वापस किया। अब क्या तोमर जी का टिकट चुनाव लड़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ाएंगे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सुधा सक्सेना ने किया जनसंपर्क, मिला अपार समर्थन। आपको बताते चलें कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है, जहां सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है।